रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार को चेताया है कि अगर जल्द सरकार ने डॉक्टरों की मांगों पर अमल नहीं किया तो सोमवार से ओपीडी का बहिष्कार किया जाएगा और फिर कोविड मरीजों को दी जा रही सेवाओं को भी बंद किया जाएगा। पंजाब पे कमीशन पर डॉक्टरों की नाराजगी के चलते प्रदेश में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने कुछ दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की है, जिसका हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने समर्थन किया है और पेन डाउन स्ट्राइक में आज फैकल्टी एसोसिएशन ने भी समर्थन दे दिया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के परिसर में प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर पेन डाउन स्ट्राइक में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार से मांग की है कि जल्द डॉक्टरों की लंबित मांगों को माना जाए। डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि सोमवार तक अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हड़ताल को पूरे दिन में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी सरकार ने क्वारंटाइन पीरियड बंद कर दिया था तो उस समय में भी डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध व्यक्त किया था, लेकिन इस बार सरकार को डॉक्टरों के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ के डॉक्टर्स की क्या बात होती है, तो उसी का जो थोड़ा सा निकल के आएगा, उभर के आएगा, वही फिर आगे हिमाचल में लागू होगा। अभी तो हमारी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है। अगर इस कृत्य में कुछ भी नहीं किया जाता तो अभी हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई है तो वो सुझाव दे रहे थे कि सोमवार से पूरे दिन की स्ट्राइक में इसको तब्दील किया जाए। इससे पहले जो आपने पेन डाउन, अभी तो सर पेन डाउन कंटिन्यू है। अभी तक सरकार ने अभी कोई भी हमारे किसी नुमाइंदे को या फिर किसी हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या फिर किसी को अभी नहीं बुलाया है बातचीत के लिए। तो अभी भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो इतने टाइम से हम कोरोना योद्धा बन के यहाँ सेवा कर रहे हैं और अभी तक हमारी बात सुनी ही नहीं गई और हमें बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया है, थोड़ा और दुखी करने वाला विषय। काफ़ी रोष चल रहा है क्योंकि जब फर्स्ट पैंडमिक हुआ तब से हम सेवा में जुड़ गए। कुछ बीच बीच में सरकार की इस तरह से योजनाएँ आई, हमारा क्वारंटाइन बंद कर दिया गया और क्वारंटाइन बिल्कुल बंद करके उसके बाद हमने काले बिल्ले पहनना शुरू किए। उस वक्त भी हमारे इस बात पे गौर नहीं किया गया। तो ऐसी बात नहीं कि ये सरकार के खिलाफ जो रोष है कि अभी पनपा, ये काफ़ी टाइम से पनप रहा था सरकार के खिलाफ। अभी तो एसोसिएशन इस फेवर में है कि सोमवार से ओपीडी सेवा को पूर्ण तरह से बंद कर दिया जाए और अगर कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आता इन 2-3 दिनों में, और नहीं तो फिर हमें कोविड सेवाएं हमें सोचना पड़ेगा आगे की रणनीति। फिलहाल अभी यही है कि शायद पैन डाउन करके पूरे दिन का पैन डाउन किया जाए सोमवार। मैं सबसे पहले बात यही कहना चाहता हूँ कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने मरीजों से जिनकी सेवा में हम लगे हुए हैं, पर जिनको हमें थोड़ा दुख ज़रूर इस घड़ी में देना पड़ रहा है। पर मैं आशावान हूँ कि मरीज़ भी हमारी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि अगर हम जी जान से मेहनत करेंगे तभी मरीज़ भी आगे खुश और स्वस्थ रह पाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा कि सरकार डॉक्टरों के हितों को देखते हुए पंजाब पे कमीशन को लागू ना करे, क्योंकि पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी कर्मचारियों को वेतन भत्ते मिलते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक को बढ़ाकर शाम 4 बजे तक भी किया जाएगा और आने वाले समय में आपातकालीन सेवाओं को भी बंद किया जा सकता है। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट RDA डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की तरफ से, आज हमने यहाँ पे जो पेन डाउन स्ट्राइक 2 घंटे की है, सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, ये आज हमारे पूरे देश में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और आज फैकल्टी एसोसिएशन ने भी, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस पेन डाउन स्ट्राइक में हमें ज्वाइन किया है। ये पेन डाउन स्ट्राइक हम सरकार की उस सोच के खिलाफ है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की पे कमीशन की तर्ज पर ही जो हमारा NPA है वो 25% से घटा के 20% कर दिया गया है और उसे बेसिक पे से डी लिंक कर दिया गया। हम इस सोच को काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान भी, पहली वेव में भी, हमने जी जान से अपनी सेवाएँ देते रहे हैं परिवार को एक साइड रख के और हमने पूरे जी जान से ये यहाँ पे सेवा की है, पर सरकार इसका हमें ये रिवॉर्ड दे रही है, इससे हमारी जो तनख्वाह है वो काफ़ी कम हो जाएगी और हमारा मॉरल बूस्ट भी डाउन होता है। इसलिए आज फैकल्टी एसोसिएशन भी हमारे साथ है। आप फैकल्टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपसे बात। वहीं समर्थन में उतरे फैकल्टी एसोसिएशन के सदस्यों में महासचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछले 3 दिनों से डॉक्टर पंजाब पे स्केल के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में डॉक्टर पूरा सहयोग दे रहे हैं लेकिन सरकार डॉक्टरों के बारे में नहीं सोच रही। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के वेतन में कटौती की जा रही है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
साथ ही डॉक्टरों का एनपीए 25% से 35% किया जाए और बेसिक वेतन से डी लिंक ना किया जाए। डॉक्टर संजय कुमार ठाकुर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कल के एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। जैसा कि आपको विदित होगा कि जो है हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और आरडीए जो अलग अलग कॉलेज की है पिछले 3-4 दिनों से एंड डाउन स्ट्राइक पर है। तो इस बात को लेकर कि पे जो पंजाब पे स्केल है उसमें एनपीए को 25-20% कर दिया गया है और जो है सरकार ने उसको बेसिक सैलरी से जो डीलिंग कर दिया गया है। तो इससे जो आज फैकल्टी एसोसिएशन ने पूरे हिमाचल में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं फैकल्टी एसोसिएशन ने एक डिसीजन लिया था कि जो है हम भी इनको सपोर्ट करेंगे और एक दिन के लिए भी हमने जो है पेन डाउन स्ट्राइक किया 9:30 से लेकर 11:30 तक। तो यहाँ भी अगर सरकार को आज हमने सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो कोरोना काल में डॉक्टर जो है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हुई है, सरकार के साथ डॉक्टरों ने जो पूरा सहयोग किया है, जितने भी हॉस्पिटल है सरकारी गैर सरकारी जो है डॉक्टरों ने दिन रात काम किया अपने परिवार से दूर रह के और अपने परिवार को जो है रिस्क पे डालते हुए लोग डॉक्टरों ने जो दिन रात काम किया है कोरोना पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इसके बावजूद अगर आप इस तरह के अगर कोई डिसीजन आता है जिसमें कि आप उनकी जो है सैलरी कम कर रहे हो तो एक दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम आगे भी सरकार के साथ मिलकर ही काम करना चाह रहे हैं। तो जो इस तरह का जो डिसीजन है सरकार उसको रिव्यू करे और जल्द से जल्द इस डिसीजन को वापस लिया जाए और जो हमारी पुरानी डिमांड है कि डॉक्टरों का एनपीए 25% से जो है उसको 35% कर दिया जाए और उसको बेसिक सैलरी से जो है डी लिंक ना किया जाए। तो हमारी सरकार से एक ही डिमांड है और आज जो हमने सांकेतिक एक दिन की जो है फैकल्टी एसोसिएशन की 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की हुई है और अगर सरकार हमारी डिमांड मानती है तो आज उसके बाद हम आगे स्ट्राइक पे नहीं होंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी डिमांड जो नहीं मानेगी तो हम HMO RDA और फैकल्टी एसोसिएशन जो है सारे इकट्ठा होकर जो है सरकार के अगेंस्ट जो है हमारा जो स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे।